मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस वक्त कोलकाता में हैं और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त बंगाल के लिए शिवराज सिंह को मिली है, खासतौर पर कोलकाता क्लस्टर जो तृणमूल का एक गढ़ रहा है, हावड़ा उलुबेड़िया ऐसी सीटें। तो यहां पर सबसे पहला जो मेरा सवाल है, ये तो तृणमूल का गढ़ रहा है, ऐसे में इसको किस तरह से आप देख रहे हैं, आप घूम रहे हैं और कितनी संभावना आपको यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार इन सब जगहों पर कोई सीट नहीं मिली। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, उनके प्रति श्रद्धा प्रेम और विश्वास, केंद्र सरकार की योजनाएं और पश्चिम बंगाल में जो क्राइम, करप्शन और कमीशन और तुष्टिकरण की सरकार चल रही है टीएमसी की, उसके खिलाफ वातावरण, ये मुझे मुखर दिखाई दे रहा है और हमारे कार्यकर्ताओं की जमीनी तैयारी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी केवल जिले के स्तर पे और ब्लॉक के स्तर पर तैयारी नहीं करते, हम बूथ के स्तर पर, शक्ति केंद्र के स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारी बूथ कमेटीज गठित है, आज उसी की मैंने समीक्षा की, न केवल गठित है बल्कि सक्रिय है। और इसलिए मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीनी तैयारी बहुत अच्छी है। पिछले बार भी 2,30,00,000 वोट आखिर हमको मिले, इसके पहले हम कहाँ थे? अगर आप देखेंगे 2014 में तो हम, और उसके पहले और नीचे थे। तो हमने पिछली बार छलांग लगाई, 18 सीटें जीती थी, इस बार हम एक छलांग और लगाएंगे और इन सीटों पर भी विजय प्राप्त करेंगे। मेरा दूसरा सवाल, अभी जो राजनीतिक परिदृश्य है, खासतौर पर संदेश खाली की जो घटना है, उसके बाद बंगाल में सियासी घमासान मचा हुआ है, इस पर आप किस तरह से देख रहे हैं इसे, और इसे बीजेपी किस तरह से इसका फायदा ले सकती है? देखिए, ये फायदे नुकसान या वोट का विषय नहीं है। मानवता को शर्मसार किया गया है, बहनों के साथ ऐसे अमानुषिक अत्याचार मध्य युग में भी नहीं होते थे जब बादशाह और बाकी व्यवस्थाएं होती थी। यहां तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सुन के, जिस ढंग से शोषण किया गया है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिन लोगों ने किया है, शाहजहां जैसे लोग और उनकी टीम, उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वो खुल के खेलते रहे। ये तुष्टिकरण की राजनीति भी है। ममता जी स्वयं एक महिला है, अब महिला के मन में तो ये दर्द होना चाहिए कि बहनों के साथ ही ऐसे अन्याय होते रहे और ये चीज सामने नहीं आई। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब शुभेंदु अधिकारी जी ने, बीजेपी के विधायकों ने इस मामले को ताकत से उठाना चाहा, तो उनको निलंबित कर दिया गया। विपक्ष के विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को, वह संदेश खाली जाने नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, क्या छुपाना चाहते? ममता बनर्जी तो बोल रही है कि दो लोगों के खिलाफ, जिनके खिलाफ मुख्य रूप से आरोप था, प्रतिरोध था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, कौन कौन है, किस स्तर के लोग हैं, कौन का उनको संरक्षण था। मैं तो आग्रह करूंगा मानवाधिकार आयोग भी आए, महिला आयोग भी यहां आए, जांच करे, उसकी गहराई से जांच निष्पक्ष रूप से होगी, तब पता चलेगा कि अपराधी और कौन कौन है। यहीं पर एक आरोप जो ममता बनर्जी लगाती है कि बीजेपी शासित राज्यों में न मानवाधिकार संगठन जाते हैं, न सीबीआई जाती है, न ईडी जाती है, जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश नहीं है जो विपक्ष है, वहीं पर क्यों इस तरह के जो आयोग हैं या जो एजेंसीज हैं वो ज्यादा प्रभावी दिख रही हैं? उनका ये तर्क नहीं है, कुतर्क है, पाप को, टीएमसी सरकार के पाप को छुपाने का प्रयास है, जहां ऐसी घटना होती जाते। एक और बात, एक बात अभी सामने आ रही है, ममता बनर्जी लगातार ये भी बोल रही हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आ गई तो पश्चिम बंगाल में खान पान पर रोक लग जाएगी, पहनावे पर रोक लग जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? केवल भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, यहाँ करप्शन अपने चरम पर है, एक के बाद एक स्कैम सामने आ रहे हैं। इन सब चीजों से जनता का ध्यान हटाने के लिए ममता जी ऐसी बातें करती जिसका ना सिर होता ना पैर होता। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऋतिक मंडल के साथ अनुपम मिश्र, आज तक कोलकाता।